हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी फॉर ग्रेड फोर्थ. सो टेक आउट योर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर टेन 1010. लेसन नंबर टू वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, यानी द अल्फाबेट एंड सिंबल्स ऑफ वोवेल्स. चलो लेट स्टार्ट. जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है. जब रेलगाड़ी, ट्रेन चलती है या कोई भी व्हीकल चलता है तो उनमें से हमें आवाज आती है, यानी अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है. आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब भी बर्तन टकराने की अलग अलग ध्वनियां निकलती है. क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली ध्वनियों और बर्तनों के टकराने की ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं? नहीं ना. जब कोई भी हमारे घर पे कोई भी चीज की, बर्तन की आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आती है, बस की आवाज आती है, व्हीकल की आवाज आती है, तो हम क्या उनकी ध्वनियों को समझते हैं? नहीं, हम इन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं. हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं, यानी हमारे मुंह से जो ध्वनि आवाज निकलती है उनको ही सिर्फ हम समझ पाते हैं. बाकी कोई भी चीज के बारे में या कोई भी चीज की ध्वनि हम समझ नहीं पाते. जैसे चीता, जोकर, लीची. चीता, जोकर और लीची शब्दों को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं. जैसे चीता तो च प्लस बड़ी ई ची, च प्लस बड़ी ची प्लस त प्लस आ, ता, चीता. इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 1 2 3 4 चार ध्वनियां होती है. मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी और उसमें ऐसा ही था, वर्ण विच्छेद करना था शब्द का, आपको वर्णों को अलग अलग करना था और उसमें टोटल आपको ध्वनियां कितनी है वो काउंट करना था. ओके, तो इसमें कितनी ध्वनियां हैं? चार है. पेज नंबर इलेवन जोकर. जो प्लस ओ तो क्या हुआ? जो. कर, कर में कोई मात्रा नहीं है, तो भी कोई भी मात्रा न हो तो उसके अंदर क्या होता है? अस्वर मिला हुआ होता है, अस्वर उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. तो क प्लस अ, र प्लस अ, तो टोटल इसमें कितनी ध्वनियां हुई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ध्वनियां हुई. लीची, ल प्लस बड़ी प्लस च प्लस ई, ली ची, इसमें टोटल कितनी है? 4. ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती है. ये जो छोटी छोटी ध्वनियां है, यानी एक एक जो ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण या तो अक्षर कहते हैं. इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, कभी भी हम वर्ण के टुकड़े करते नहीं हैं. अतः यानी एंड में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं. अब आए वर्ण के प्रकार, यानी वर्णों के प्रकार पर. तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर मीन्स वोवेल्स एंड सेकेंड वन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स. तो नंबर वन स्वर. जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर ऑलवेज अकेला ही होता है और अकेला ही चलता है. मैंने आपको सिखाया था अप्रैल मंथ में, स्वर को किसी की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलवेज अकेला ही चलता है और अकेला ही रहता है. जिन वर्णों का उच्चारण, मतलब जिन वर्णों का हम जब उच्चारण करते हैं तब हम दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेते नहीं है, तब उसे स्वर कहते हैं. हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं. हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं. अ, आ, ई, ई, उ,
री ए आई ओ औ, अ से औ तक ही हम काउंट करते हैं और वो टोटल होते हैं 11। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्ण का उच्चारण स्वर ऑलवेज अकेला चलता है, लेकिन व्यंजन व्यंजन अकेला नहीं चलता, उसको ऑलवेज हमेशा स्वर की हेल्प रहती है, स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके बाजू में हम मात्राएं लिखते हैं, तो वो किसकी लिखते हैं, स्वर की लिखते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी 33। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। तो क से ह तक जितने टोटल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33 यानी 33। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं, अतिरिक्त यानी इनके अलावा भी कुछ व्यंजन वर्ण होते हैं। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारी नाक से होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, जब हम कोई भी वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं यानी बिंदु लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे कंगा, कंगा, हंस, हंस आदि। अह, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, ये जो हम दो डॉट करते हैं उसका साउंड क्या होता है, ह होता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अह, अह। तो इसका उच्चारण ह की तरह होता है और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और इसका चिन्ह दो डॉट होता है, जैसे प्रातः, प्रातः, प्रायः, प्रायः आदि। विशेष में क्या है कि अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं। क्यों अयोगवा कहलाते हैं, ना तो वो स्वर है और ना ही वो व्यंजन है। अंग, अम, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। हम इसको चंद्रबिंदु कहते हैं, लेकिन दूसरे शब्द में उसको अनुनासिक भी बोला जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसा चंद्र बिंदु वाला, चांद जैसा, चांद और बीच में बिंदु, इसलिए चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे मुंह, मुंह, पांच, पांच, चांद, चांद। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हम चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते हैं तब हमारा मुंह ज्यादा खुलता है, तब हमारा मुंह बोलते समय पे ज्यादा खुलता है। जैसे मुंह, मुंह, पांच, पांच, चांद, चांद। तो वो जो सारे जो शब्द होते हैं वो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं। ड और ड, ड और ड वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर क्या बनता है, ड और ड ध्वनियां बनती है। थोड़ा इसके नीचे न का साउंड आता है, ड ड ड ड ड ड, थोड़ा उसके नीचे न का साउंड आता है, इसलिए नीचे डॉट लगाते हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इस वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत होती नहीं है। जैसे घोड़ा और पढ़ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत नहीं हुई है। ये जो वर्ण होते हैं या तो शब्द के लास्ट में आएंगे या तो शब्द के बीच में आएंगे। फिर है संयुक्त व्यंजन, फिर है संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं।
क्षात्राग्नाश्र क्या होते हैं? चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क्ष दोनों अलग अलग व्यंजन हुए, दोनों को मिलकर एक नया व्यंजन बना क्ष। रक्षा। त प्लस र क्या बना? त्र। त्र पत्र। ज प्लस न्य क्या बना? ज्ञ। ज्ञ ज्ञान। श प्लस र मिलकर क्या बना? श्र। श्र श्रमिक। श्रमिक। फिर है स्वर की मात्राएं। अब आया, ये था सिर्फ वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन, और उनके अलावा भी कौन से व्यंजन होते हैं वो। अब आए हम स्वर की मात्राएं। तो प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है, प्रत्येक स्वर की अलग अलग पर्टिकुलर मात्राएं होती है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब तो अमूल रूप हुआ, आम तो आमूल रूप हुआ, इमली, ईक, उल्लू, ऊन आदि, ओखली, औरत। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण के साथ विशेष चिन्ह करते हैं, किसका चिन्ह करते हैं? स्वर का, तो उसे हम कहते हैं मात्रा कहते हैं, या तो मात्राएं कहलाती है। पेज नंबर 13। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो क प्लस अ, क बनेगा कमल। आ की मात्रा होती है ओनली स्टैंडिंग लाइन। ख प्लस आ की मात्रा खा, खाना। छोटी ई की मात्रा ऑलवेज आगे की तरफ लगती है। च प्लस छोटी ई की मात्रा ची, चिड़िया। बड़ी ई में ऑलवेज छोटी ई आगे की तरफ, तो बड़ी ई पीछे की तरफ, ऑपोजिट। तो ज प्लस बड़ी ई की मात्रा जी, जिल। छोटा ऊ ऑलवेज व्यंजन वर्ण के पैर में लगता है। प प्लस छोटा ऊ पू, देखो प के नीचे एग्जैक्ट उसकी जहाँ स्टैंडिंग लाइन है उसके एग्जैक्ट नीचे ही लगता है, ना आगे ना पीछे, तो पुल। बड़ा ऊ वो भी सेम टू सेम व्यंजन वर्ण के पैर में लगता है। क प्लस बड़ा ऊ कू, कुप। फिर है री। री भी व्यंजन वर्ण के पैर में लगती है। क प्लस री की मात्रा यानी छोटा सी हम लिखते हैं क्री, कृपा। ए। अब हमेशा आपको याद रखना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ कोई भी मात्रा है नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उसकी एक ही मात्रा होती है। ख प्लस एक की मात्रा खे, खेल। और जिसके ऊपर एक मात्रा हो तो उसका उसकी मात्रा दो हो जाती है, डबल हो जाती है। तो च प्लस ऐ की मात्रा चई, चैन। ओ की मात्रा होती है वन स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर एक मात्रा। प प्लस ओ पो, पोटली। औ, औ में क्या होता है? वन स्टैंडिंग लाइन और दो मात्राएं। न प्लस औ की मात्रा नौ, नौका। अब अस्वर की विशेष में क्या है? अस्वर की मात्रा अलग से नहीं होती, क्योंकि यह व्यंजन के साथ लिखा जाता है। यानी हमने क लिखा तो क के अंदर अ आ गया, इसलिए वो व्यंजन के साथ लिखा जाता है। उ और उ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। र हम ऑलवेज लिखते हैं तो छोटे उ की मात्रा ऐसे बीच में लिखते हैं, बड़े उ की मात्रा ऐसे बीच में लिखते हैं, कभी नीचे उसको लिखते नहीं है। एक व्यंजन वर्ण में र अकेला है जो उसकी मात्रा ऑलवेज बीच में लगती है। ओके। फिर है र के कुछ अन्य प्रयोग, मैंने आपको सिखाया था स्पेशली र के प्रयोग कैसे हम लिखते हैं। जैसे ये वाला जो र का प्रयोग आया ऊपर वाला, उसमें क्या होता है? जब हम दो वर्ण बोलते हैं उसके बीच में र का साउंड आए तो पीछे के व्यंजन वर्ण में उसके ऊपर र का चिन्ह लगता है। जैसे कर्म, कर्म, कर्म नहीं लिख सकते हम, कर्म। क और म के बीच में आया तो म के ऊपर हमने ये चिन्ह लगाया। शर्म, शर्म, शर्म भी लिखे वो भी राइट है। शर्म, शर्म,
वो भी एक राइट है, शर्मा जैसे बोलते हो ना जो सरनेम होती है, शरम, शरम भी राइट है। कई लोग ऐसे हिंदी में लिखते हैं शरम, वो भी राइट है, और यह है शर्मा आदि। सेकेंड वन में क्या है कि जिसमें स्टैंडिंग लाइन ना हो और जब आप ब्र का साउंड बोलते हो वो व्यंजन वर्ण के साथ बोला जाता है तो उसके नीचे दो लाइन करते हैं, जैसे ट ठ ड ड ह, उसमें कभी भी स्टैंडिंग लाइन होती है नहीं होती है, इसलिए उसके नीचे हम दो लाइन करते हैं। वैसे द द में भी स्टैंडिंग लाइन है तो उसके नीचे ऑलवेज हम दो करते हैं, द में भी क्या करते हैं, एक जो ये होती है और दूसरी हम ऐसे कर देते हैं, तो द में भी स्टैंडिंग लाइन नहीं होती है, इसलिए ड्रामा, ट्रक आदि। और वन लाइन कब करते हैं, जब व्यंजन वर्ण के साथ र का प्रयोग हो, र का साउंड आए बोलते समय और उसके अंदर स्टैंडिंग लाइन हो तब हम उसके नीचे वन लाइन करते हैं, जैसे क्रम, तो क्र बोला मैंने, क के साथ र का साउंड आ रहा है, क्र क्र क्र, इसलिए मैंने क्या किया, क में स्टैंडिंग लाइन है इसलिए यहाँ पे वन लाइन की। यहाँ पे उम्र, उम्र, म्र, म्र, इसलिए म के नीचे यहाँ वन लाइन लगाई, जैसे प्रकोप, प्रकोप, प्र, प्र, तो प के, प में स्टैंडिंग लाइन है इसलिए उसके नीचे में वन लाइन लगाई। वर्णमाला, लास्ट पॉइंट, वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से ही बनती है, स्वर और व्यंजन मिले तो ही वर्णों की माला बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, अंग्रेजी में जैसे 26 लेटर्स होते हैं वैसे ही, और उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट, वैसे ही हिंदी भाषा में 44 यानी 44 वर्ण होते हैं। कैसे, तो स्वर 11 प्लस 33 व्यंजन, तो टोटल हुआ 44। तो अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को, क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हम ऑलवेज वर्णमाला सिक्वेंस में ही लिखते हैं, क्रम वाइज लिखते हैं, अ के बाद आ, आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, कभी अ लिखा, फिर मन, मुझे मन, मेरा मन ऐसा है कि मैं इसके बाद औ लिखूं, फिर डायरेक्ट में लिखूं ई, फिर डायरेक्ट में लिखूं री, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। तो जो क्रम वाइज जैसे आता है वैसे ही हमें स्वर और व्यंजन लिखना है और वैसे ही लिखा जाता है, तो क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। विशेष में क्या है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 यानी 44 होती है, लेकिन यदि ड ड अंग अह अक्षत्र ग्न श्र को वर्णमाला में जोड़ दें तो तब वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है, क्योंकि ये चार संयुक्त व्यंजन है, ये दोनों अयोगवा है और ये अतिरिक्त व्यंजन है, मतलब अलग प्रकार के व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए हम उसको जो अगर सब में हम ये मिला दे, इन्वॉल्व कर दे, ऐड कर दे, प्लस कर दे तो टोटल होती है 52, बाकी तो हम 44 ही वर्णमाला में काउंट करते हैं। ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, अगर आपको उसमें कुछ क्वेरी हो तो मुझे ऑनलाइन क्लास में आपको पूछना है। इसका जो डिटेलिंग हम जो नोटबुक में लिखते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका पूरा डिटेल मैंने आपको अप्रैल मंथ में बेसिक में लिखवा दिया है, तो हम फिर से वो रिपीट लिखेंगे नहीं। ओके, बाय एवरीवन।